दोस्तों फिर से आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट की एलईडी लाइट, यहाँ पर आप देख सकते हो, और दूसरे हाथ में मेरे देख सकते हो 1.5 वोल्ट का आरबीजी बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 वोल्ट का एलईडी प्लेट या फिर 1.5 वोल्ट का आप आरबीजी बल्ब इस 12 वोल्ट की बैटरी से आप कैसे जला सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 12 वोल्ट का बैटरी रखा हुआ है, तो 12 वोल्ट की बैटरी से 5 वोल्ट का एलईडी प्लेट या फिर 1.5 वोल्ट का आप आरबीजी लाइट कैसे चला सकते हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे जला सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलो मैं आपको बताता हूं कि इसको आपको कैसे जलाना होगा। तो इसको जलाने के लिए यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास 1K का यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर मेरे पास कई सारे हैं, तो यहां पर मैं एक 1K का रेजिस्टेंस यूज करने वाला हूं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो अभी बिना रेजिस्टेंस के भी कैसे जलाना है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस रेजिस्टेंस को यूज़ करके कैसे चलाना होगा। उसके बाद अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस नहीं है तो भी आप आसानी से 12 वोल्ट से इस 5 वोल्ट की एलईडी प्लेट्स को जला सकते हो। तो चलो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपको कैसे जलाना होगा, इस छोटे से 1K के रेजिस्टेंस को यूज करके। आप यहाँ पर आप देख सकते हो 1K का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर प्लस वाले में जोड़ दिया है। अब मैं इसको 12 वोल्ट के एलईडी यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर देखो कनेक्ट करता हूँ, तो देखो आसानी से यहाँ पर आपकी ये प्लेट जल जाती है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाओगे तो आपका तुरंत ही फ्यूज़ हो जाएगा, कहाँ क्योंकि कहाँ 12 वोल्ट कहाँ 5 वोल्ट, इसलिए आप 1K का रेजिस्टेंस यूज करोगे तो आसानी से आपकी एलईडी बल्ब जल जाएगी। चलो मैं यहाँ पर आरबीजी जो बल्ब है 1.5 वोल्ट का, इसको भी प्लस में 1K का रेजिस्टेंस यूज करके इसको भी जला करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको प्लस में जोड़ लिया है 1K का रेजिस्टेंस, तो इसको भी मैं यहाँ पर 12 वोल्ट में जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, सही तरीके से जिस तरह इसको 5 वोल्ट से जलना चाहिए तो यहाँ पर ये जल रहा है 1K का रेजिस्टेंस यूज करने के बाद 12 वोल्ट बैटरी से। तो चलो मैं फाइनली आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ये 1K का रेजिस्टेंस नहीं है तो आप कैसे जला सकते हो। ये जो प्लेट देख रहे हो एलईडी प्लेट, तो इस तरह की आपको 2 से 3 मतलब 3 प्लेट आपको ले लेना है और इनको आपको सीरीज में जोड़ देना। तो जैसे आप इनको सीरीज में जोड़ दोगे फिर आप इसको 12 वोल्ट में जोड़ोगे, तो सीरीज में जोड़ने के बाद 12 वोल्ट से भी आपकी आसानी से जल जाएंगी। अगर सही तरीके से जानना चाहते हो कैसे इनको सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। और ये जो आरबीजी बल्ब जल रहा है तो आरबीजी बल्ब भी इस 1K के बिना रजिस्टेंस के बिना भी जल सकता है, इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको भी आप आई बटन से जाकर के देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस वाले पॉइंट में 1K का रजिस्टेंस यूज करके कैसे आप किसी भी 5 वोल्ट के या फिर 1.5 वोल्ट के या फिर 2 वोल्ट के किसी भी बल्ब को जला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट डेली करता रहता हूं। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगले एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। चलो यहाँ पर अब थोड़ा सा कुछ मस्ती कर लिया जाए, कुछ पागलपंती कर लिया जाए। यहाँ पर देखो आरबीजी बल्ब है 1.5 वोल्ट का, डायरेक्ट यहाँ पर मैं 12 वोल्ट पर देखो टच करने वाला हूँ। ये देखो टच किया, एक बार थोड़ा सा ब्लिंक हुआ मतलब थोड़ा सा जला। अब यहाँ पर अगर आप दोबारा तिबारा चाहे जो कुछ यूज करके इसमें चलाओ ये नहीं जलने वाला, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर मैं 1K का रेजिस्टेंस भी यूज कर देता हूँ फिर भी ये यहाँ पर नहीं जल रहा है, क्योंकि कहाँ 1.5 वोल्ट और कहाँ इसको 12 वोल्ट का करंट दे दिया तो ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है।